गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आइए आइए बैठिए। थैंक यू। ये लीजिए, ये है तहुरा की मार्कशीट और आप इस पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। ओके। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि तहुरा के मार्क्स कितने पुअर होते जा रहे हैं डे बाय डे। मैम चिंता तो मुझे भी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कमी क्या रह रही है। पढ़ाई तो बहुत करती है, कोशिश तो हम सभी करते हैं, लेकिन नंबर तो आ नहीं रहे अच्छे यहाँ पे। देखिए, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सुधार तो हो ही जाएगा। मैम सुधार हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे कोशिश हम सभी की है कि नंबर अच्छे आ जाएं कम से कम, क्योंकि कोशिश करते हैं हम सभी लेकिन आ नहीं पा रहे हैं नंबर यहाँ। देखिए, आपको बस कुछ बातों को ध्यान में रखकर चलना होगा। हम ध्यान पूरा रहेगा तौरा के लिए, तो आप जैसा बोलेंगे वैसा करने को तैयार है। अच्छा, आपने बच्चे की बुक्स, नोटबुक, स्टेशनरी स्कूल से ही लिए ना? हम स्कूल से नहीं, वो मेरे एक्चुअली दोस्त की एक दुकान है बाहर बाजार में, तो मैंने वहाँ से सारा सामान ले लिया था एक साथ। ओहो, तो ये बात है। देखिए, आप ये तो जानते हैं कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड होता है, और आपके बच्चे का सिर्फ मार्क्स ही नहीं, हेल्थ भी वीक हो रहा है। हाँ मैम वो तो है, खाना पीना तो बहुत कुछ करते हैं घर पे भी, लेकिन इसको शायद सेहत जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पा रही है, और कुछ शायद शरीर में लगता नहीं है ऐसा कुछ। और मुझे ये बताइए कि आप आटा वगैरह कहाँ से लेते हैं? मैम वो तो मोहल्ले में दुकान है नुक्कड़ पे, वहाँ से सारा राशन जो है घर का वो एक साथ आ जाता है पूरे महीने भर का। बच्चे का हेल्थ कमजोर है और वो पढ़ाई में भी वीक है। मैं इसकी असल वजह समझ गई। मैम बताइए प्लीज, हम करते हैं उसका सोल्यूशन निकाल के, अगर आप कुछ दे पाएंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा हो जाएगा। देखिए, वजह तो आप घर पहुँचते पहुँचते समझ ही जाएंगे। फिलहाल आप अपने बच्चे के लिए आटे का पैकेट, नमक की थैली स्कूल कैंटीन से ही लेंगे। चलो अच्छा है, पीटीएम में आटे और नमक की बात हो रही है, इनसे बातों में बेच गए तो दबी गई। मैम तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो बेकार में इतना डर रही थी। बार बार पेरेंट्स को बताया जाता है कि नोटबुक स्कूल से ही लेना, लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं। बाहर से नोटबुक खरीद लेते हैं और फिर बोलते हैं कि बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। होगा कैसे, बाहर के नोटबुक का पेपर जो खराब होता है। अब इस बात को पेरेंट्स को कौन समझाए। चलिए कोई बात नहीं, आप दूसरे पेरेंट्स की तरह ना बने। थैंक यू मैम, आपने सब कुछ बता दिया, मैं भी समझ गया हूँ कि क्या है असली वजह तौरों की कमजोरी की। तो यहाँ पे अब तो मुझे आटे, नमक का पैकेट हो, चाहे हो, कॉपी किताबें, सब कुछ स्कूल से लेना पड़ेगा। अरे वाह, स्कूल के आटे की रोटी खाऊंगी, क्लास में फर्स्ट आऊंगी। अरे वाह, आप तो बाकी पेरेंट्स से बहुत ही समझदार हैं। इस बात को समझने में दूसरे पेरेंट्स बहुत ही टाइम लेते हैं। हाँ मैम वो तो बस आपकी बातों ने आंखें खोल दी, वरना हम तो पता नहीं क्या क्या कारण समझ रहे थे, लेकिन असली कारण तो आज आपने बता ही दिया है, तो अब तो समझना ही पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताना तो भूल ही गई। वो क्या? यही कि बच्चे की शार्प मेमोरी के लिए आपको बच्चे का हेयर कट भी यहीं से करवाना होगा। अरे मैम ये तो आपने काफी अच्छा पॉइंट बता दिया, यहाँ पे अगर पढ़ लिख लेगी सेहत भी अच्छी होगी, लेकिन अगर याददाश्त अच्छी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैम एक बार बस कंफर्म कर लेता हूँ आपसे सारा कुछ जो आपने बताया है, ताकि हम आगे वो एक्शन ले पाएं। तो यहाँ पे जो कॉपी किताबें हैं वो स्कूल से ही मिलेंगी। हाँ हाँ। और जो आटे की थैली और नमक का पैकेट है वो भी स्कूल कैंटीन से लेना पड़ेगा। जी जी। और जो हेयर कट है वो भी स्कूल में ही हो जाएगा। जी। और जो एडुकेशन है वो भी आप स्कूल में दे ही देंगे। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि हम बच्चे के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ तो पेरेंट्स के लिए छोड़ना ही होगा, वरना लोग बोलेंगे कि हम बिजनेस कर रहे हैं। और पढ़ाई का क्या है, स्कूल के गेट से बाहर निकल के ही आप देख सकते हैं कितने सारे कोचिंग के बोर्ड्स लगे हुए हैं, उनमें से आप किसी भी कोचिंग सेंटर में बच्चे को एजुकेशन दिला सकते हैं। हाँ? और ये तो बहुत ही आसान सी बात है। बिल्कुल सही काम है, आज आपकी सभी बातों ने आंखें खोल दी हमारी, बिकॉज यहाँ पे आज तक हम कुछ और हाथ पांव मारते रहे लेकिन परफॉर्मेंस तो मिल नहीं रहा था, लेकिन आज के बाद में तो चाहे हेयर कट हो, चाहे हो यहाँ पे आपके लिए आटे नमक की थैलियाँ, आप अगर दे सके तो कुछ चाहे एक्स्ट्रा घर पे अगर पहनने के लिए कपड़े मिल जाएंगे स्कूल से तो वो भी काफी अच्छा होगा, क्या पता वहां से भी कुछ परफॉर्मेंस निकलती हो। बाकी अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी कि हम बह जा रहे हैं धारा में और एजुकेशन ले लेंगे कहीं और बाहर से, लेकिन कम से कम यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी निकले और यहाँ पे मार्क्स अच्छे आ जाए तो मजा आ जाएगा। मार्क्स तो अच्छे आएंगे, आप इतने समझदार जो हैं। दोस्तों ये थी भैया पूरी कहानी, आपने देख ली यहाँ पे क्या होती है असलियत स्कूल का, फालो आटा तेल नमक, और उसके बाद में आएंगे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़िया वाले, बिकॉज मैम तो ऐसे ही कुछ कहती है कि यहाँ पे आप बन जाओ वो समझदार, हेयर कट भी करा लो स्कूल से, उसके बाद में मिलेगी परफॉर्मेंस एकदम ऐसी दमदार के बाद में हो जाओ कंफ्यूज कि भैया जो परफॉर्मेंस है वो आ कहाँ से रही है, अब वो कोचिंग सेंटर से आ रही है कहाँ से आ रही है तो अंदर की बात है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये था छोटा सा लाइव वीडियो जो शूट किया मैंने समरीन के साथ में, और काफी मुझे मजा आया, हालांकि मुझे एक्टिंग आती नहीं है लेकिन कोशिश की है। बाकी आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और समरीन अगर कुछ कहना चाहती है इस वीडियो के बारे में तो वो और अच्छा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और घंटी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको नई वीडियो का। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और घंटी और लाइक का जो टारगेट है वो है कितने लाइक्स चाहिए बताओ? 5000। 5000, चलो डन कर दो भाई, 5000 लाइक्स जो इस वीडियो पे आ जाएंगे पक्के पक्के, और उसके बाद में समरीन खुश, आप खुश, और आपको नई वीडियो ऐसी देखने को मिल जाएंगी समरीन के इस चैनल पे। थैंक यू।